दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टिप्स की पुकार में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग अपने Facebook पेज को कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग जो है यहाँ पर पेज को, ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अकाउंट तो आप लोग डिलीट करते हैं जो है फेसबुक का, लेकिन जो पेज होता है दोस्तों उसको अलग तरीके से डिलीट किया जाता है और जो जो है मतलब अकाउंट रहता है उसे अलग। तो आप लोग फेसबुक पेज को कैसे जो है परमानेंटली डिलीट करेंगे आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजबल है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आसानी से आप लोग जो है यहाँ पर अपने मतलब पेज को डिलीट कर सकते हैं। तो कैसे करना है सब कुछ मैं आपको बताता हूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मिल दबा के ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे आपको न्यू अपडेट्स जो है मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं एक एक स्टेप अच्छे से कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो है अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग अपने फेसबुक को ओपन कर लेते हैं दोस्तों, आपको ढेर सारे ऑप्शन यहां पर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहां पर आने के बाद आपको जो है मतलब अपना पेज यहां पर लॉगिन करके रखे रहना है, ठीक है। यहां पर आने के बाद कॉर्नर में ऊपर में राइट साइड में आप लोग देखिएगा दोस्तों, राइट साइड में आपको जो है आपका लोगो दिखा देगा और वहां पर थ्री डॉट का ऑप्शन भी दिखाएगा, थ्री लाइन बना रहेगा, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक कर देते हैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आने लगेगा सामने, आपको थोड़ा सा इस तरीके से नीचे आना है। और नीचे आएंगे दोस्तों तो एक ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, नीचे आप लोग देखिएगा तो सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेटिंग्स का, तो आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे फाइनली आप लोग आ जाएंगे यहां पर। अब यहाँ पर आने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आएगा, तो ऊपर में दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज सेटिंग्स का, आप लोग देख सकते हैं, तो आपको पेज सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पर नीचे आना है, थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे आना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्सेस एंड कंट्रोल का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे फाइनली आ जाएंगे सीधे आप लोग इस पेज पर। अब यहां पर मिलेगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन का ऑप्शन, तो यहां पर नीचे दिया रहेगा टेम्पररी डीएक्टिवेट और परमानेंटली डिलीट योर पेज, तो हम इसी पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहां पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, जो है दिया रहेगा डीएक्टिवेट और यहां पर दिया रहेगा डिलीट पेज, तो हमें तो डिलीट करना है तो हम डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमें कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, हम सिंपल कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम दोस्तों क्लिक करते हैं, यहाँ से हमसे कुछ पूछा जा रहा है रीज़न, तो यहाँ पर दोस्तों हम कोई एक पर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने एक बार क्लिक कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, नीचे हमें कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग अच्छे से इसे पढ़ भी सकते हैं, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से बोला जाएगा आप लोग जो है अपना अगर जो इन्फॉर्मेशन है उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, कुछ आपका पर्सनल है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमें दोस्तों नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों फाइनली यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल यहाँ पर इंटर पासवर्ड, दोस्तों हम जैसे यहाँ पर अपना जो है पासवर्ड जो होता है हमारा, वो पासवर्ड जैसे ही डालेंगे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आगे पेज पर जैसे ही बढ़ेंगे वहाँ पर आ जाएगा डिलीट परमानेंटली अकाउंट, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों हमें नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों मैं इस पर जो है मतलब वीडियो वगैरह जो है यहाँ पर डालता हूँ तो मुझे नहीं डिलीट करना है। अगर आपको डिलीट करना है तो आप लोग आसानी से जाकर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।